तो दोस्तों, क्या आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो? तो इस वीडियो में मैं आज सिखाने वाला हूँ। देखो कितना मस्त लग रहा है। तो सबसे पहले आपको जाना है लाइट मोशन ऐप पे। लाइट मोशन ऐप प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। लाइट मोशन ये रहा, ये लाइट मोशन रहा, इसको ओपन करते हैं। लाइट मोशन ओपन करने के बाद आपको प्लस आइकन पे आना है। ये रहा प्लस आइकन, प्लस आइकन को क्लिक करके करेक्ट प्रोजेक्ट पे आना है। यहाँ पे देखिए टिकटॉक का दे रहा है, यूट्यूब का दे रहा है, इंस्टाग्राम रील का दे रहा है, बहुत सारे मतलब दे रहा है, इसका प्रोजेक्ट है। तो आप करेक्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक करें, उसके बाद आपको आना है प्लस पे, प्लस आइकन पे, प्लस आइकन। उसके बाद आपको मीडिया पे जो भी वीडियो आप बनाना चाहते हो मीडिया पे है, मीडिया गैलरी कैमरा वीडियो वगैरह जो भी हो, तो मैं ये वाला वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो ये वाला वीडियो मैं सबसे पहले मैं आ जाते इफेक्ट पे, एरा इफेक्ट, इफेक्ट पे आ जाने के बाद एड इफेक्ट यहाँ से ले लेना हम लोग को आर जी बी, ये देखो RGB। उसके बाद हम लोग सेटिंग करते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग, बी वाले सेक्शन को ले लेना है हमें जी पे, बी वाले सेक्शन पे तीसरा नंबर ये रहा, ए बी वाले को हम ले लेते हैं जी पे। कुछ इस तरह का वीडियो अपना हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से आते हैं बैक, बैक आने के बाद इफेक्ट पे, फिर एड इफेक्ट पे। उसके बाद आते हैं कलर एंड लाइट, यहाँ पे कलर एंड लाइट, कलर एंड लाइट पे आ जाने के बाद हम आते हैं सेचुरेशन वाइब्रेशन पे, इस पे। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग, स्टैंडर्ड सेटिंग पे आ जाने के बाद उसके बाद हम इसको मतलब कुछ सेटिंग करते हैं, -20 इसको ले लेते हैं 1.010, 1-2 पॉइंट अधिक उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बैक पे, बैक यहाँ पे बैक, बैक आने के बाद यहाँ पे बैक आते हैं बैक। उसके बाद प्लस आइकन पे आते हैं, यहाँ पे प्लस आइकन के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं स्क्वायर साइज एक बॉक्स ले लेना, इसको स्क्वायर साइज बॉक्स, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं पूरे अपने मतलब फ़ोटो अगर आप वीडियो पे पूरा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद इस पर कलर एंड फील्ड, कलर एंड फील्ड को सेव करते हैं मतलब पिंक कलर। उसके बाद आना है बैक, बैक आने के बाद ब्लेंडिंग ओपासिटी, इस पर आके हम लोग डिफरेंट पे तीसरे नंबर पे एरा। कुछ अपना वीडियो इस तरह से हो जाएगा। इफेक्ट, उसके बाद इफेक्ट पे जाना, फिर यहाँ से बैक आना है, यहाँ पे बैक, यहाँ पे बैक आते हैं, फिर इफेक्ट एड इफेक्ट। अब यहाँ से हम लोग को आना है एक कॉपी बैकग्राउंड, यहाँ पे सर्च करते हैं CO इतना डालेंगे तो आ जाएगा कॉपी बैकग्राउंड, इसको ले लेते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग, स्टैंडर्ड सेटिंग करने के बाद अपना वीडियो कुछ इस तरह से ब्लैक हो जाएगा अपना वीडियो। उसके बाद आपको फिर बैक आना है, बैक आने के बाद आपको इफेक्ट पे जाना है, इफेक्ट इफेक्ट पे। उसके बाद एड इफेक्ट, यहाँ पे फिर डालेंगे गॉसियन ब्लर जी, ये देखो सबसे ऊपर आ रहा है गॉसियन ब्लर, आप जी डालोगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा गॉसियन ब्लर, ये रहा, इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करते हैं, अपना कुछ वीडियो इस तरह से हो गया। गॉसियन ब्लर को कुछ सेटिंग है जिसको हम करते हैं 500, ये देखो
फाइव हंड्रेड हो गया। उसके बाद फिर जाना बैक, हमें बैक जाने के बाद यहाँ पे बैक आने के बाद इफेक्ट, उसके बाद एड इफेक्ट, उसके बाद हम लोग को लेना एक्सप्लोजर एंड गामा। तो यहाँ पे सर्च करते हैं EX, सबसे ऊपर आएगा एरा। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करते हैं, ये हो गया। उसके बाद इसका सेटिंग है यहाँ पे एक्सप्लोजर एंड गामा का, इसको ओपन करते हैं। -20 ऊपर वाले को -20 करना है, -20। उसके बाद इसको कहते हैं 900 ज़्यादा भी रहेगा एक दो पॉइंट तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखो, और नीचे वाले को रखते हैं अपसेट वाले को, ये तो गामा हो गया अपसेट वाले, अपसेट वालों को रखते हैं -10। अपना वीडियो कुछ इस तरह से इफेक्ट हो गया, इफेक्ट लग गया वीडियो में। यहाँ से फिर आना है हम लोग को बैक आते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे बैक, ये वाला बैक, उसके बाद प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद स्क्वायर साइज बॉक्स लेना है, एरा स्क्वायर साइज बॉक्स, इसको क्लिक करते हैं। स्क्वायर साइज बॉक्स करने के बाद इसको हम कुछ जूम कर लेते हैं इस तरह अपने पूरे मतलब वीडियो पे। उसके बाद आपको आना है कलर एंड फिल, इस पर कलर एंड फिल। उसके बाद आपको लेना है वाइट कलर। उसके बाद आपको यहाँ से करना बैक करने के बाद आपको आ जाना है ब्लेंडिंग ओपासिटी पे, इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं एरा, इसको कर लेंगे हम ओवरले। अपना वीडियो कुछ इस तरह हो गया, मैं कुछ चला के दिखा देता हूँ। ये देखो कितना मस्त लग रहा है भाई। इसे पूरा अगर कलर चढ़ाना चाहते हो तो भाई यहाँ से बैक आते हैं पूरे वीडियो पे इफेक्ट लगाना चाहते हो तो ये देखो बैक आ गए। फिर यहाँ से बैक आओ, यहाँ से बैक आ जाने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा, इसको टच किए रहना है। ये देखो सही का निशान ये भी हो गया, इसको दाबो ये भी हो जाएगा, ये भी होगा, दो अपना वीडियो वाला नीचे वाला छोड़ देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है मतलब पूरा वीडियो लास्ट तक कर देना है, उसके बाद इस पर करना है। ये देखो ये वाला, इसको दबाओ पूरा इफेक्ट वीडियो पे चढ़ जाएगा भाई। वीडियो थोड़ा भी स्पीक मत करना भाई, मैं बहुत मतलब डिटेल में बताया हूँ भाई, अगर आप ध्यान से देख लोगे तो भाई एक बार में अगर आप बनाना चाहोगे तो बना लोगे। ये देखो कितना मस्त लग रहा है। अब वीडियो का आवाज़ होगा तो यहाँ से वीडियो का आवाज़ भी म्यूट कर सकते हो। ये देखो यहाँ से वीडियो म्यूट हो गया, आप जो भी गाना वगैरह जो भी मतलब आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हो, सॉन्ग वगैरह। अब देखो मैं चला के दिखा रहा हूँ भाई, ये देखो रुक के चल रहा है भाई, थोड़ा भी सेव होगा तो मस्त हो जाएगा। ये देखो अब सेव करते हैं भाई, यहाँ से बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ पर कॉर्नर में दिखेगा एक कॉर्नर, ये इसको करके एड वॉच कर लेना, उसके बाद सेव कर लेना भाई। थैंक यू भाई वीडियो देखने के लिए।